देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें माय एजुकेशनल वीडियो और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले मिले देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरें। आज हम आपको 1987 के लोकप्रिय सीरियल रामायण के उन 8 फेमस कलाकारों के बारे में बताएंगे जो दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। रामानंद सागर रामायण सीरियल के निर्देशक रामानंद सागर थे। उन्होंने उस दौर में रामायण के अलावा कृष्ण, लवकुश, विक्रम और बेताल जैसे कई बेहतरीन शोज बनाए। बता दें कि रामानंद सागर साल 2005 में दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। विजय अरोड़ा रामायण सीरियल में इंद्रजीत का किरदार निभाने वाले एक्टर विजय अरोड़ा का निधन साल 2007 में हो चुका था। उर्मिला भट्ट अभिनेत्री उर्मिला भट्ट ने इस सीरियल में जनक की पत्नी सुनैना की भूमिका निभाई थी। उर्मिला भट्ट भी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। उनका निधन साल 1997 में हुआ था। दारा सिंह भारत के जाने माने रेसलर और एक्टर रह चुके दारा सिंह ने रामायण सीरियल में हनुमान जी की भूमिका निभाई थी। उनका किरदार बहुत सराहा गया था। दारा सिंह का निधन साल 2012 में हुआ था। मुकेश रावल अभिनेता मुकेश रावल ने सीरियल में विभीषण की भूमिका निभाई थी। बता दें कि मुकेश रावल भी इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। उनका निधन साल 2016 में हुआ था। ललिता पवार बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री ललिता पवार ने रामायण में मंथरा की भूमिका में बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। बता दें कि ललिता पवार का निधन साल 1998 में हुआ था। जयश्री गडकर 50 और 80 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री जयश्री गडकर ने इस टीवी सीरियल में कौशल्या की भूमिका निभाई थी। जयश्री गडकर भी साल 2008 में दुनिया को अलविदा कह चुकी है। मूलराज राजदा अभिनेता मूलराज राजदा ने टीवी सीरियल रामायण में जनक की भूमिका बखूबी निभाई थी, जिसे काफ़ी पसंद किया गया था। इस किरदार को निभाने वाले मूलराज राजदा भी दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। उनका निधन साल 2012 में हुआ था।